समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन, उस पर काफी सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उनमें वो सीटें भी शामिल हैं जिन पर कांग्रेस दावेदारी पेश कर रही थी। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में उन जगहों पर भी उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं जहां मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं। समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा के मुताबिक कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई लिस्ट नहीं मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने साफ किया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अंतिम फैसला सीएम अखिलेश यादव लेंगे। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर चुटकी ली है। जो आधार हो रहा है 2012 साल चुनाव में, जहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला सपा से, वो सीट तो कांग्रेस का है, इससे 25-30 सीट ज्यादा हम लोग देते। नंदा जी का बयान उनका व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। ये ठीक है, कांग्रेस से अलायंस की वार्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस का आइडियल रवैया था जिस बारे में कहीं ना कहीं रुकी वार्ता। पहले महागठबंधन, फिर गठबंधन, और उस गठबंधन की घोषणा के बाद सूची का प्रकाशन अपने आप में यह स्पष्ट कर रहा है कि गठबंधन, महागठबंधन, ठगबंधन के बीच में अविश्वास की दरार है। मेरा ये मानना है कि गिनतियों से चुनाव नहीं लड़े जाते, भावनाओं से, और चुनाव जो है एक लक्ष्य को लेकर लड़े जाते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए कांग्रेस को करीब 85 सीट देने के मूड में नजर आ रही है। गठबंधन के लिए कांग्रेस करीब 100 सीट चाहती है। अमेठी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं दे रही है।